खबर मिल रही है आपको रूबरू करा दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील का बड़ा असर देखने को मिला है। पानी की टंकी पर चढ़ी 5 छात्राएं नीचे उतर गई हैं। आज शाम को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्राओं को नीचे उतरने की ट्विटर के माध्यम से अपील की थी, साथ ही समस्या के समाधान का उचित आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आश्वासन के बाद 5 छात्राएं अब पानी की टंकी से नीचे उतर गई हैं। हालांकि कल तक परीक्षा स्थगित करने के आदेश जारी करने की उनकी तरफ से मांग रखी गई है। ललित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। ललित, क्या माना जाए कि एक तरफ अपील छात्राओं से मुख्यमंत्री ने की, दूसरी तरफ आनन फानन में बैठक बुलाई गई शिक्षा मंत्री के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार कार्रवाइयां चल रही थी इसको देखकर एक संतोषजनक रवैया देखकर छात्राएं नीचे उतरी हैं? पानी की टंकी से नीचे उतर गई हैं। कल 12-1 बजे के आसपास करीब ये छात्राएं पानी की टंकी पर चढ़ी थी, जहां पर पानी पर की टंकी पर चढ़ने के बाद बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो बेरोजगार हैं जगतपुरा में जुटे थे। वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे उतरने की अपील की गई थी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा, जो इस पूरे धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने भी शाम को छात्राओं से नीचे उतरने की मांग की थी। साथ ही सरकार को यह भी चेतावनी दी है कि यदि कल शाम तक परीक्षा स्थगित करने के आदेश जारी नहीं होते हैं तो परसों से वह पटरियों पर बैठेंगे। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि धरना स्थल पर अभी किरोड़ी लाल मीणा ने यह ऐलान किया है कि यदि कल शाम तक किसी भी प्रकार से आदेश जारी नहीं होते हैं तो परसों जगतपुरा रेलवे स्टेशन सहित जो रेलवे लाइन है उसको जाम किया जाएगा। तो ऐसे में एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील के बाद छात्राएं नीचे तो उतर गई हैं, लेकिन दूसरी ओर जो धरना दे रहे हैं अभी भी धरना जारी रखने की, हालांकि उन्होंने जो घोषणा की है वह की है कि आगे ये धरना जारी रहेगा जब तक आदेश जारी नहीं हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर यह है पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए कि जो छात्राएं थी, 5 छात्राएं टंकी से नीचे उतर गई हैं और अब वहां पर नीचे धरने पर बैठ गई हैं। जी बिल्कुल ललित, तो माना जाए यही कि भले ही वो नीचे उतर गई हैं लेकिन इस पूरे मसले पर गतिरोध जो है वो खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में खासतौर पर अगले 24 से 48 घंटे में ये गतिरोध और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर गतिरोध की बात करें तो अभी तक गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 4 दिन से सरकार लगातार ये कह रही है कि परीक्षा समय पे कराई जाएगी, जिसको लेकर ये आंदोलन और भी तेज हो गया है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद आंदोलन तेज कर दिया गया था, पानी की टंकी पर चढ़ गए थे हजारों की संख्या में जयपुर में, अब जो बेरोजगार हैं वे जुटने लगे हैं। कल अगर बात करें तो कल तकरीबन 5,000 बेरोजगार जयपुर में जुट चुके थे और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शाम को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, हालांकि अभी तक मीटिंग का जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वह बाहर निकल कर नहीं आए, लेकिन कल लगता है कि कोई बड़ा फैसला इस भर्ती को लेकर लिया जा सकता है। तो बिल्कुल लगता है कल बड़ा फैसला आ सकता है या फिर उस फैसले की दिशा जो है वो नजर आ सकती है। शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जो 5 लड़कियां प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब वो नीचे उतर गई हैं, लेकिन जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कुछ मांगे उनकी तरफ से अभी भी रखी गई हैं, जिसका स्पष्ट मतलब यह है कि गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है।